और आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी के मेगा रोड शो और रैलियां हैं। सोनीपत और सांपला किलोई में रोड शो करेंगे। रोड शो से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सांपला किलोई से बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा के समर्थन में प्रचार करेंगे, तो वहीं सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार निखिल मदान के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का मेगा रोड शो देखने को मिलेगा। आज कार्यवाहक नायब सैनी मेगा रोड शो रैलियां करेंगे और उससे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनीपत और सांपला किलोई में रोड शो करेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ये रोड शो किया जाएगा। सांपला किलोई से बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। वहीं सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार निखिल मदान के समर्थन में प्रचार करेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी के मेगा रोड शो हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोनीपत और सांपला किलोई में रोड शो करेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी और रोड शो से पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। सांपला किलोई से बीजेपी उम्मीदवार और सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार की समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी मलिक हमारे सहयोगी सोनीपत से जुड़ गए हैं। सनी, किस तरीके की तैयारियां हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का मेगा रोड शो होने जा रहा है आज? जी देखिए, बिल्कुल शमिका, सोनीपत में आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मेगा रोड शो है, वो देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निखिल मदान के पक्ष में वो वोटों की अपील करते हुए एक मेगा रोड शो है वो करने जा रहे हैं। लगभग 10 बजे का समय है वो रखा गया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो सोनीपत के दीनबंधु छोटराम विश्वविद्यालय में लैंड करेगा और उसके बाद वो सीधा कबीरपुर के कबीर सैनी धर्मशाले में वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनका मेगा रोड शो है वो सोनीपत के अलग अलग चौक चौराहों से होता हुआ गीता भवन चौक पर ख़त्म होगा, जहाँ पर वहाँ पर एक छोटी सी जनसभा है वो रखी गई है। तो हम कह सकते हैं जब हरियाणा में विधानसभा चुनावों के समापन के आखिरी दौर चल रहा है, यानी कि हम कल तक ही चुनाव प्रचार प्रसार है वो हो सकता है, यानी कि भोपू कल बंद हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार एक्शन मोड में है वो नज़र आ रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं का मेगा रोड शो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शमिका। जी सनी, महज दो दिन का वक्त बचा है। जिस तरीके से आखिरी दौर में आपने कहा कि हम चल रहे हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, एक दिन में न जाने कितनी रैलियां वो कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरी दौर है हरियाणा में चुनाव के लिए, अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री की ये जो दो फरीदाबाद में और आज दो जगह किलोई में भी रैली है, तो अब विपक्ष पर किस तरीके से हमलावर होंगे? क्योंकि देखिए, फरीदाबाद से हमने देखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी लगातार विवादित टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसा घेराव और कौन से वो लोकल मुद्दे होंगे जिनको आज उठाते हुए नजर आ सकते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री? जी देखिए शमिका, कल भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद में थे और पलवल में थे और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया शमिका, तो हम कह सकते हैं आज उसी मुद्दे को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो मंचों से भाषण है वो दे सकते हैं। कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में धाड़ रहे थे, तब उन्होंने लगभग 70 बार, हम डाटा है वो दे रहे हैं अपने दर्शकों को शमिका, कि 70 बार दलित शब्द, दामाद, डीलर, करप्शन की जो सरकार है वो कांग्रेस को है वो बताया था और उन्हीं को लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आएंगे। आज लगभग 3 से 4 जनसभाएं हैं वो रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात है आज जब लास्ट 2 दिन पहले यानी कि कल चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा शमिका, तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में है वो धाड़ने खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आ रहे हैं। रोहतक और सोनीपत को वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है वो कहा जाता है और इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितना सेंध लगा पाती है वो देखने वाली बात होगी, वो 8 तारीख को नतीजों में पता चल पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री लगातार इस गढ़ को तोड़ने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को तोड़ने के लिए और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार है वो इस इलाके में करते हुए नजर आ रहे हैं। जी